चुनाव नतीजों के दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में भी जो हिंसा हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हिंसा की आशंका पर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका के चलते राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं नतीजों के दिन कहीं किसी तरह से मामला खराब ना हो जाए, हिंसा से कड़ाई से निपटें राज्य सरकार, ये कहना है गृह मंत्रालय का। चुनाव नतीजों से पहले चुनाव नतीजों वाले दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों में हिंसा की आशंका पर गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपीज को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हिंसा करने वाले हों, जो भी माहौल को खराब करने वाले हों, हिंसा से कड़ाई से राज्य सरकारें निपटें। इस वक्त की एक अहम खबर, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नतीजों के दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर किसी तरह की हिंसा ना हो, कहीं पर किसी तरह का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर मुख्य सचिवों और डीजीपीज को, राज्यों के जो डीजीपीज हैं अलग अलग राज्यों के, उनको निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा से सख्ती से निपटा जाए, अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव के नतीजों के दिन माहौल खराब हो सकता है, हिंसा हो सकती है, खासतौर से कुछ राज्यों पर। कुछ राज्यों में हिंसा को लेकर सख्ती बरती जाए, इसके साथ ही सभी राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये सबसे अहम बात है। और इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं तमाम राज्यों के डीजीपीज को और मुख्य सचिवों को कि अपने राज्यों में हिंसा पर कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाएं, अगर कोई हिंसा करता हुआ पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्ती से निपटा जाए हिंसा करने वालों के खिलाफ।